जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे भाई। तो आज है 22 जनवरी और मैं हूं अभी अयोध्या के धरती में। और आज राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है और हम लोगों ने लाइव देखा यहां पे। और ये हमारा सौभाग्य की बात है कि हम अयोध्या के धरती पे रह के लाइव देखा हमने। मतलब मंदिर पे तो भाई किसी को प्रवेश नहीं है, जिनका जो लोग आमंत्रित थे उनके लिए था। और हम लोग रुके थे तो अमृत महोत्सव जहाँ हो रहा है वहाँ के कैंप में, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी एलसीडियाँ लगी हुई थी, हम लोगों ने वहाँ देखा। और अभी हम लोग चल रहे हैं थोड़ा आगे मार्केट की तरफ, क्योंकि उधर दिन में जाना अलाव नहीं था। अभी चल के देखते हैं कि यहाँ का क्या नज़ारा होता है। तो अभी मैं हूँ हनुमान गढ़ी के नजदीक। आप मेरे पीछे देख सकते हैं हनुमान गढ़ी मंदिर का शीर्ष दिख रहा होगा। और अभी से यहाँ से चलेंगे जहाँ पे मुख्य द्वार है, राम जन्मभूमि के लिए घुसते हैं। और आप देख सकते हैं रोड में पूरा काफिला भरा हुआ है, गाड़ी ही गाड़ी पूरा भरा हुआ है, पूरा रोड जाम है और पब्लिक को पूरा नीचे नीचे चलना हो रहा है। यहाँ पे फुटपाथ बना हुआ है, फुटपाथ पे ही पब्लिक चल रहा है, रोड पे चलना मना है। और सारे यहाँ पे मतलब पब्लिक से ज्यादा पुलिस प्रशासन ही मुस्तैद है यहाँ पे। तो भाई अभी हम लोग हैं राम मंदिर के मुख्य द्वार पे और यहाँ तक ही आज आम जनों के लिए है। यहाँ से आगे प्रतिबंधित है, कल से आम जनों के लिए खुलेगा और आज VIP एंट्री है। तो देख सकते हैं यहाँ का भीड़ का नजारा आप ले सकते हैं, कितना पुरजोर भीड़ है। और यहाँ पे VIP की गाड़ियाँ जो है ये धीरे धीरे रेंगते हुए जा रही है। आप इससे समझ सकते हैं कि क्या जबरदस्त यहाँ पे राम भक्तों में उल्लास है। तो मेरे साथ में ललधारी भी है और हम और ललधारी निकले हैं शाम को। सुबह तो हम लोगों को बोल दिया गया था कि रोड पे नहीं निकलना है। जिस कैंप में हम लोग थे वहाँ पे बोला गया था कि यहाँ से जो भी है नहीं निकले। और नहीं निकलने के यही रीजन था कि रोड पे बहुत ज्यादा क्राउड हो जाना था। लेकिन शाम जब हो गया तो हम लोग निकले और अभी जितने सारे VIP जो लोग को बुलाया गया था निमंत्रण देकर, वो सब अभी पैदल यहाँ से निकल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ का नजारा। देखो भाई ये पता है कहाँ से आए? कर्नाटक से आए हैं यहाँ पे राम जन्मभूमि का जो आज उद्घाटन हुआ उसके साक्षी बनने। तो भाई आप कब आए, कैसे आए आप लोग वहाँ से? हम लोग भाई आके 3 दिन हुआ। तीन दिन हुआ दर्शन
मार्गदर्शन हम लेके हम घर निकलने के लिए सोच रहे हैं। अच्छा अच्छा, इसलिए आज सब हुआ। भगवान बहुत खुश होगा हमको अभी देख के। और मोदी योगी बहुत बढ़िया, अच्छा किया हम लोग को, बहुत अच्छा किया ना। और आगे भी वही आना चाहिए हम लोग को। चलिए, और आप लोग ट्रेन से आया था या कैसे आया था? ट्रेन से आया था ना। आप लोग वहाँ अभी इधर ही रुका हम लोग, इधर ही रुका। कहाँ पे रुके हो? इधर रूम में बाड़की में लिया हम लोग। अच्छा, लेके इधर ही खड़ा। आपका नाम क्या है? शरण। राम शरण। और आपका? जगन्नाथ। जगन्नाथ। चलो भाइयों, देखो ये राम भक्तों में क्या कितना प्रेम है। साउथ इंडिया से भी ये लोग आए हैं, और सोचो कि राम जी को कितना प्यार करते हैं लोग, तो आप समझ ही सकते हो। चलो भाई, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भाई एक बात बता दूं, यहाँ पे आप जितने भी जो जनसंख्या रोडों पे देख रहे हैं, यहाँ के लोकल लोग नहीं है, लोकल लोग बिल्कुल भी नहीं है। जितने लोग बाहर से आए हुए हैं वही लोग आए हैं। निमंत्रण जिनको दिया गया था, जो पैदल आए हैं, और कुछ लोग ट्रेन से आए हैं, वही लोगों का भीड़ है यहाँ पे। लोकल लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। उनको साफ साफ मना किया गया है कि आप लोग अभी ना निकले। तो आप देख सकते हो पूरे देश में किस तरह लहर छाया हुआ है राम जी का। तो भाई बहुत हम लोग प्रभु का कृतज्ञ है कि, और मोदी जी का, योगी जी का, कि भाई ये मंदिर बन पाया और इसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। भाई जीवन में इससे ज्यादा खुशी का पल कुछ नहीं हुआ अभी तक मेरा। और हम लोगों ने पद यात्रा किया था, तो आप तो जानते ही हैं, जो अभी तक हम लोगों ने प्रतिष्ठा पाया है यहाँ आकर, जो मतलब अनुभव कर रहा हूँ अपने आत्मा में, वो एकदम मतलब बता नहीं सकता मैं, बयान नहीं कर सकता आपको। और अभी चलता हूँ आगे, यहाँ के दिखाता हूँ यहाँ अयोध्या किस तरह सजाया गया है। और कल हम लोग यहाँ से निकलेंगे दर्शन करने के लिए स्पेशल, तो कल हम लोग जाएंगे हनुमानगढ़ी और राम मंदिर। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे अयोध्या, स्नान करेंगे, उसके बाद हनुमानगढ़ी जाके और राम जन्मभूमि जाएंगे। और पता नहीं कल खुलता है आमजनों के लिए कि नहीं खुलता है, ये तो अभी कंफर्म पता नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि कल खुल ही जाएगा। तो चलेंगे। और यहाँ का एक खास चीज मैं बता दूं, यहाँ की जितने भी दुकान है ये टोटल एक रंग से सबको रंगा गया है, आप देख लो, और सब में एक जैसा डिजाइन बना हुआ है सारे दुकानों में, और सबका शटर का जो कलर है ना एकदम बिल्कुल एक रंग रखा गया है। और अभी उस साइड के दुकानों में आप देख सकते हैं सबका जो नेम प्लेट है, दुकान का जो नेम प्लेट है, वो सबका एक जैसा बना हुआ है, सबका एक जैसा, एक कलर से, एक फॉन्ट में। मतलब सोचो कि क्या नजारा होगा जब आप यहाँ पे लाइव इस गली से गुजरोगे, बहुत ही शानदार। तो भाई अभी दो चार दिन रुक जाना आप लोग, और उसके बाद पूरा परिवार आ जाओ यार घूमने अयोध्या। राम जी पधारे हैं अपने अयोध्या में। तो भाई अभी हम लोग आ गए हैं ललधारी के लिए, कुछ खाने का सामान खरीद लेते हैं, क्योंकि ये अभी तक फलाहार पे है, और इसके लिए छेना खरीद लिया जाता है। और हम लोग फिर चल के खरीदेंगे केला वगैरह कुछ खरीद लेंगे, क्योंकि ये सुबह में मॉर्निंग में ही 6 बजे केला वगैरह खाता है, और उसके बाद रात को खाता है, दिन में फिर पानी तक नहीं पीता है बेचारा, तो इसके लिए हमें खरीदना होगा हम लोगों को। तो ऐसा करते हैं हम लोग यहीं पे, पहले 6 तो बज गए हैं, 6:30 हो गया है, तो पहले अभी ललधारी को यहीं खिला देते हैं। और देखो ये अपना 4 पीस नहीं भैया बता रहे हैं, ये अपना है आ गया मीठा, और ये लो ललधारी पहले तुम खाओ, और उसके बाद हम भी ले लेते हैं। अच्छा है, टेस्टी है, अच्छा लगा खाने में। तो भाई पेमेंट हो गया, और अब चलते हैं आगे, और आगे चल के हम लोग पहले केला या संतरा कुछ खरीदेंगे, हाँ, और उसके बाद चलेंगे फिर हम लोग वापस अपना जो अमृत महोत्सव का जो कैंप है वहाँ पे, और फिर कल निकलते हैं।
और देखो यहाँ पे हर तरफ भंडारे ही भंडारे चल रहे हैं। और आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे दुकान जो दिख रहे हैं ना, सब में एक डिजाइन, सबका कलर एक, और सब में किसी में श्री राम जी लिखा हुआ है, किसी में हमारे हनुमान जी का बना हुआ धनुष और तीर कमान ये सब बना हुआ है। तो ये एक अलग सा पहचान दिया गया है अयोध्या नगरी को। और यहाँ पे एकदम व्यवस्थित एक फुटपाथ बनाया गया है, आप देख सकते हैं, और 2-लेन रोड है, बहुत ही व्यवस्थित बनाया हुआ है। और आप देख सकते हैं सबका एक जैसा बोर्ड, आप यहाँ भी देखें, एकदम सबका एक फॉन्ट में और एक जैसा बोर्ड बना हुआ है सबका। तो ये चीज जो है ना, बहुत अलग बना रहा है अयोध्या को। और आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, हर 2 कदम पे आपको पुलिस दिखेंगे, हर 2 कदम पे। और ऐसा एक जगह ना हो जहाँ हर 2 कदम पे पुलिस आपको ना दिखे। आप देख लो यहाँ पे तीरी, हर जगह आपको दिखेंगे, जिधर जाओ उधर पुलिस। आप देख सकते हैं यहाँ 2-व्हीलर को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, यहीं से यूटर्न लोग ले रहे हैं, क्योंकि अधिकतर जो लोकल लोग हैं उनको आज तो एंट्री नहीं मिल रही इधर जाने की। जो पैदल जा सकते हैं तो अपनी गाड़ी को लेके जा ही नहीं सकते हैं। और यहाँ की प्रशासन इतनी मुस्तैद है कि मत पूछो। हम लोग वीडियो बनाने के लिए रेलिंग पे चढ़े, वो जो बैरिकेटिंग होता है ना, उसी पे चढ़ के वीडियो बना रहे थे। तो एक पुलिस वाले भाई साहब बोलते, भाई साहब नीचे आ जाइए, गिरेंगे तो चोट लग जाएगा। इतने प्यार से उन्होंने कहा ना कि मत पूछो। और यदि यही चीज झारखंड में होता है तो वहाँ का पुलिस पहले गाली देती, लेकिन यहाँ पे मतलब इतने सभ्य तरीके से पुलिस पेश आई कि कभी सोचा ही नहीं था, ये चीज का परिकल्पना कभी किया ही नहीं था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अयोध्या वासियों में कितना उल्लास है, पूरा धूम धड़ाका मचाए हुए हैं, पूरा डांस चल रहा है अभी। और खुश भी क्यों ना हो, 500 साल लंबे इंतजार के बाद आज ये मौका मिला है हम सबों को, तो भाई धूम धड़ाका तो बनता है। और यहाँ दीपावली भी मनाया जा रहा है। अब देखें इधर का सब घरों को सजाया गया है। तो अब हम लोग चल रहे हैं वापस अपने महोत्सव, अमृत महोत्सव के कैंप में। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में।